चाय की दुकान में किया काम और अब ये शख्स बन गया आईएएस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इसी तरह की खास खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत से लोगों को अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती जितनी जरूरत होती है। इस शख्स ने अपनी कड़ी मेहनत से यह सुनिश्चित किया कि उसे वह मिले जो वह चाहता था और अंत में उसने वह हासिल कर दिया। लगन और जज्बा हो तो कोई भी कठिन काम आसान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता की, जो उत्तराखंड के जिला सितारगंज के रहने वाले हैं। आईएएस हिमांशु गुप्ता सभी सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है क्योंकि गरीबी और कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत की। उत्तराखंड के सितारगंज जिले के रहने वाले हिमांशु गुप्ता बचपन से ही होशियार थे। हालांकि उनका बचपन एक सामान्य बच्चे से बहुत अलग था क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने अपना बचपन अत्यधिक गरीबी में बिताया। उनका बचपन अत्यधिक गरीबी में था क्योंकि उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उनके पिता की नौकरी उनके परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करती थी। अपने परिवार की खराब स्थिति को देखने के बाद हिमांशु के पिता ने एक चाय की दुकान शुरू करने का फैसला किया, जहां हिमांशु अपने स्कूल के समय के बाद चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद करता था। हिमांशु ने बताया कि उन पर हमेशा भारी आर्थिक बोझ रहता था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता को कभी ज्यादा नहीं देखा क्योंकि वह अलग अलग जगहों पर नौकरी खोजने की कोशिश कर रहे थे। यह हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत कठिन था और यह भी एक कारण था कि मेरा परिवार बरेली के शिवपुरी चला गया, जहां मेरे नाना रहते थे, इसलिए मुझे वहां के स्थानीय सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। आईएएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता को बुनियादी अंग्रेजी शिक्षा के लिए हर दिन 70 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हिमांशु ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और ट्यूशन और ब्लॉग लिखकर अपनी फीस का भुगतान किया। उन्होंने पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री ली और अपने बैच में टॉप किया। उनके पास विदेश में पीएचडी करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने भारत में रहने और सिविल सेवा को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिमांशु ने एक सरकारी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर के रूप में ज्वाइन किया। उन्होंने सोचा कि यहाँ एक आदर्श स्थिति है जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि ना केवल उन्हें स्कॉलरशिप अर्जित करने में मदद मिली बल्कि सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए एक शैक्षणिक माहौल भी प्रदान किया। हिमांशु गुप्ता ने 3 बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास किया। पहले प्रयास में हिमांशु ने सिविल सेवा के लिए क्वालिफाई किया लेकिन केवल आईआरटीएस के लिए चयनित हुए। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और 2019 यूपीएससी परीक्षा में आईपीएस बन गए। हाल इस खास कहानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें हापुड़ हलचल।